हेलो दोस्तों तो आज हम गोस्ट राइडर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे गोस्ट राइडर 2007 की एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जिसे मार्क स्टीवन जॉनसन ने लिखा और निर्देशक किया है इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स ने चरचरित्र पर आधारित है इसे कोलंबिया पिक्चर्स ने मार्वल एंटरटेनमेंट क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स और रिलेटिविटी मीडिया के साथ मिलकर बनाया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया है फिल्म ने निकोलस केज मुख्य किरदार के रूप में जबकि ईवा मेलडर्स वे बेल्टा सोसेम इल्टियाना डोनल्ड लॉग मेल्ट लॉग के ओर सहायक भूमिका में जॉनी ब्लेज एक मोटरसाइकिलिस्टेंट मैन अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों का इनामी शिकारी बन जाता है घोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की 110 बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका 228 मिलियन पॉइंट्स। गोस्ट राइडर को 12 जून 2007 को डेविड ब्लूरे और मीडी क्रिकेट रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ विजन्स नामक एक सिक्वल 2007 17 फरवरी 2000 को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए दानव मेफिस्टोलेस ने अपने शिकारी गोस्ट राइडर को सेन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं यह देखते हुए कि यह समझौता मेडनीफाई को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है शक्ति उन्नीस सौ छियासी में विस्टो सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता है और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना वर्ष सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होड को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सवर लोगों को सारा और दर्द महसूस कराते हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह जोनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रॉक्सेन मिलने आती हैं और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है असर नश्वित में चली जाती हैं ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रोग को अनुबंध बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मेफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा

सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर होम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिव्यू टू डिस्क एडिशन कट डिविट कल ब्लूरेडिक्स और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ये 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वैश्य रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को स्टीफ ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावी रूप से रह हो गए, रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैग क्रैको के ओर सहायक भूमिका में जोनी बलेज एक मोटरसाइकिल स्टेंटमैन अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों का इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की, की एक सौ दस बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो सौ अट्ठाईस मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून दो हजार सात को डेविड ब्लूरे और यूडी मीडी रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजनस नामक एक सिकविल दो हजार सात सत्रह फरवरी दो हजार को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए दानव ने अपने शिकारी गोष्ठ राइडर को सैन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं। यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफाई को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है उन्नीस सौ छियासी में विश्व सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता है और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जॉनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होट को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सवर लोगों को रा सारा और दर्द महसूस कराती हैं, जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं। एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह ज्वनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रोक्सैन मिलने आती हैं और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आशा न चली जाती हैं ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रोग को बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मैफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं विस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हम इस मूवी को चेक टिकल को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर होम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिव्यू टू डिस्क एडिशन कटे डेविड कल ब्लू डिस्क और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में व्यवसाय रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ होरल फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को स्टीपत्र ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावित रूप से रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टीवी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैग लो के ओर सहायक भूमिका में जोनी बलेज एक मोटरसाइकिल अपनी आत्मा बेच देता है और राक्षसों को इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की एक बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून 2007 को डेविड ब्लू रे मीडी क्रिकेट रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजेंस नामक एक सिक्विल दो हजार सात सत्रह फरवरी दो हजार को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए दानव ने अपने शिकारी गोष्ठ राइडर को सैन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफा को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है शक्ति उन्नीस सौ छियासी में मेफिस्टो सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता हैं और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होट को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सर लोगों को सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह जोनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोदने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रॉक्सेन मिलने आती है और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आशा न चली जाती हैं ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रोग को अंधुमुक्त बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मेफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं पिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हम इस मूवी को चेक को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से चार अगस्त दो को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले चौदह जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर सोम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिव्यू टू डिस्क एडिशन कट डिविड कल ब्लू और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह सोलह फरवरी दो को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक ये रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अवार्ठ फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को बारह ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावी रूप से रह हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट सो के पूर्व होस्ट क्रैग लोक के ओर सहायक भूमिका में जोनी बिलेज एक मोटरसाइकिल स्टेंट मैन अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों का इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की, की एक सौ दस बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो सौ अट्ठाईस मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून दो हजार सात को डेविड ब्लूरे और यूडी मीडी रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजनस नामक एक सिकविल दो हजार सात सत्रह फरवरी दो हजार को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए दानव ने अपने शिकारी गोष्ठ राइडर को सैन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए बेचता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं। यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफाई को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है उन्नीस सौ छियासी में विश्व सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता है और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जॉनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होट को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्स लोगों को रा सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह जोनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रोक्सैन मिलने आती हैं और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आशा न चली जाती हैं ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रोग को बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मेफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं विस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हम इस मूवी को चेक टिकल को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर होम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिब्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लू डिस्क और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म फीचर का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वैश्विक रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हो फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 हजार बारह को स्टीप्रफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावित रूप से रहा हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टीवी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैग क्रैको के ओर सहायक भूमिका में जोनी बलेज एक मोटरसाइकिल अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों को इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की एक बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून 2007 को डेविड ब्लूरे और यूडीमीडी रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजनस नामक एक सिक्विल दो हजार सत्रह फरवरी 2000 को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए दानव ने अपने शिकारी गोष्ठ राइडर को सैन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफा को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है उन्नीस सौ छियासी में विष्ट सत्रह वर्षीय जॉनी ब्लेज के पास पहुंचता है और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जॉनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना वर्ष सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होड को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सर लोगों को सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह ज्वनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रॉक्सेन मिलने आती है और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है में चली जाती है ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायुदेवदूत के एबीगर रोग को अंधमुख बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मैफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं पिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है बात करें हम इस मूवी को चेक को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर सोम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थ्रेटिकल कट डिब्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लू रेडिक्स और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म फीचर का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वैश्विक रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपने शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को इष्टपत्र ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावी रूप से रहा हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टीवी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैक लो के ओर सहायक भूमिका में जोनी बलेज एक मोटरसाइकिल स्टेंटमैन अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों का इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की, की एक सौ दस बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो सौ अट्ठाईस मिलियन पॉइंट्स गोस्ट राइडर को बारह जून दो हजार सात को डेविड ब्लूरे और यूडी मीडी रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजनस नामक एक सिकविल दो हजार सात सत्रह फरवरी दो हजार को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए मेफिस्टोलेस ने अपने शिकारी गोष्ट राइडर को सेन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए है यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफाई को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है उन्नीस सौ छियासी में विष्ट सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता है और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना वर्ष सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होल को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सवर लोगों को रा सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह ज्वनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रोक्सैन मिलने आती है और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आसर में चली जाती हैं ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के ए बीगर रो को बना लेता है। और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मैफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं पिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हम इस मूवी को चेक को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर होम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिव्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लू रे और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म फीचर का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह सोलह फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में व्यवसायिक रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को स्टीफ ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावी रूप से रहा हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टीवी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैग लोक के ओर सहायक भूमिका में जोनी बिलेज एक मोटरसाइकिल स्टेंटमैन अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों को इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की एक सौ दस बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो सौ अट्ठाईस मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून दो हजार सात को डेविड ब्लूरे और यूडी मीडी रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजनस नामक एक सिकविल दो हजार सात सत्रह फरवरी दो हजार को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए मेफिस्टोलेस ने अपने शिकारी गोष्ठ राइडर को सेन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं यह देखते हुए कि यह समझौता मेडनीफाई को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है शक्ति उन्नीस सौ में मेफिस्ट सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता हैं और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता हैं लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना वर्ष सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होड को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्स लोगों को रा सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह जोनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती घर पर जोनी अपने मारक को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रोक्सैन मिलने आती है और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आसर में चली जाती है ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रोग को अनुभवमत बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मैफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं विष्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हम इस मूवी को चेक को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर होम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थ्रेटिकल कट डिब्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लू रे और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म फीचर का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वैश्विक रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छः सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन राशबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को इष्टपत्र ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावित रूप से रहा हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टीवी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैको के और सहायक भूमिका में जोनी बलेज एक मोटरसाइकिल अपनी आत्मा बेच देता है और राक्षसों को इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की एक बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून 2007 को डेविड और यूडी और यूडीमीडी रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजेंस नामक एक सिक्विल दो हजार फरवरी 2000 को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर न करते हुए मेफिस्टोलेस ने अपने शिकारी राइडर को सेन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफा को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है शक्ति उन्नीस सौ छियासी में मेफिस्टो सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता हैं और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होट को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सवर लोगों को सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह जोनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोदने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रॉक्सेन मिलने आती हैं और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आशा न चली जाती हैं ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रोग को अंधुमत बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मेफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं पिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हैं इस मूवी को चेक को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से चार अगस्त दो को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले चौदह जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर सोम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिव्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लू और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह सोलह फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वैसे रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक ये रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को बारह ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावित रूप से रह हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट सो के पूर्व होस्ट क्रैग लॉक के ओर सहायक भूमिका में जोनी बिलेज एक मोटरसाइकिल स्टेंट मैन अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों का इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की, की एक सौ दस बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो सौ अट्ठाईस मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून दो हजार सात को डेविड ब्लूरे और यूडी मीडी रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजन नामक एक सिकविल दो हजार सात सत्रह फरवरी दो हजार को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए दानव ने अपने शिकारी गोष्ठ राइडर को सैन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफाई को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है उन्नीस सौ छियासी में विश्व सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता है और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जॉनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना वर्ष सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होल्ड को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्स लोगों को रा सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह ज्वनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रोक्सैन मिलने आती है और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आशा न चली जाती है ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायुदेवदूत के एबीगर रोग को बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मैफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैपिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है सवार होकर गोस्ट राइडर के रूप में अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हम इस मूवी को चेक टिकल को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिब्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लू रेडिक्स और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह सोलह फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को स्टीपत्र ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावित रूप से रहा हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेज संस्करण के बाद में टीवी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैग लो के ओर सहायक भूमिका में जोनी बलेज एक मोटरसाइकिल अपनी आत्मा बेच देता है और राक्षसों को इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की एक बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून 2007 को डेविड और यूडी मीडी क्रिकेट रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजेंस नामक एक सिकविल दो हजार फरवरी 2000 को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए दानव ने अपने शिकारी गोष्ठ राइडर को सैन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफा को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है शक्ति उन्नीस सौ छियासी में मेफिस्टो सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता हैं और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता हैं। अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होट को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सर लोगों को सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह जोनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोदने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रॉक्सेन मिलने आती है और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आशा न चली जाती है ब्लैकार्ड द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रो को अंधबुध बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मेफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है घोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं पिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हम इस मूवी को चेक को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से चार अगस्त दो को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले चौदह जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर सोम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थ्रेटिकल कट डिव्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लू रे और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह सोलह फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को बारह ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावित रूप से रह हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैग लो के ओर सहायक भूमिका में जॉनी बलेज एक मोटरसाइकिल स्टेंटमैन अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों को इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की, की एक सौ दस बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो सौ अट्ठाईस मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून दो हजार सात को डेविड ब्लूरे और यूडीमीडी क्रिकेट रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजनस नामक एक सिकविल दो हजार सात सत्रह फरवरी दो हजार को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए मेफिस्टोलेस ने अपने शिकारी गोष्ट राइडर को सेन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए है यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफाई को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है उन्नीस सौ छियासी में विष्ट सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता है और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना वर्ष सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होल को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सवर लोगों को रा सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह जोनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रोक्सैन मिलने आती है और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आशा न चली जाती है ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के ए बीगर रो को बना लेता है। और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मैफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं पिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है। बात करें हम इस मूवी को चेक को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर होम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिब्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लूरेडिक्स और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म फीचर का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में व्यवसायिक रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स डे 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 द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को स्टीफ ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावी रूप से रहा हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टीवी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रैग लोक के भूमिका में जोनी बोटरसाइकिल अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों को इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की 110 बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून 2007 को डेविड ब्लूरे और यूडी मीडी रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजनस नामक एक सिक्विल दो हजार सत्रह फरवरी 2000 को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए दानव ने अपने शिकारी गोष्ठ राइडर को सैन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं। यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफायर को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है शक्ति उन्नीस में विष्णु सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता हैं और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता है अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता हैं। लेकिन अगले दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्स लोगों को सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह ज्वनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रोक्सैन मिलने आती हैं और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है आशा न चली जाती हैं ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रोग को अंधमुख बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मैफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं पिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और सवार होकर गोस्ट राइडर के रूप में अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है बात करें हम इस मूवी को चेक को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर सोम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थ्रेटिकल कट डिब्यू टू डिस्क एडिशन कट डेविड कल ब्लू रेडिक्स और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डे डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को इष्टपत्र ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावी रूप से रहा हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टीवी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट लोक के ओर सहायक भूमिका में जोनी बलेज एक मोटरसाइकिल स्टेंटमैन अपनी आत्मा बेच देता है और दृष्ट राक्षसों को इनामी शिकारी बन जाता है गोस्ट राइडर 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें इसने कमाई की एक सौ दस बिलियन डॉलर की बजट दुनिया भर में इसका दो सौ मिलियन पॉइंट गोस्ट राइडर को बारह जून दो हजार सात को डेविड ब्लूरे और यूडीमीडी क्रिकेट रिलीज किया गया गोस्ट राइडर स्क्रिप्ट ऑफ वेजनस नामक एक सिक्विल दो हजार सात सत्रह फरवरी दो हजार को रिलीज किया गया जिसमें केज ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया हम अब आपकी कहानी की पिक्चर की कहानी के ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए मेफिस्टोलेस ने अपने शिकारी राइडर को सेन वेगाज के अनुभव को वापस पाने के लिए भेजता है जो एक हजार अंधेरी आत्माओं पर नियंत्रण के लिए हैं यह देखते हुए कि यह समझौता मेगनीफा को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति देगा राइडर मना कर देता है और इसे लेकर भाग जाता है सकती उन्नीस सौ छियासी में विष्णु सत्रह वर्षीय जोनी ब्लेज के पास पहुंचता हैं और जोनी की आत्मा के बदले उसके पिता के कैंसर को ठीक करने का पेशकश करता हैं। अगली सुबह जोनी को पता चलता है कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है उसके पिता का कैंसर ठीक होने के बाद जोनी बहुत ही खुश नजर आता है लेकिन अगले ही दिन जब वो बाइक से स्टंट कर रहा होता है तो किसी दुर्घटना वर्ष सेट पर आग लग जाती है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दुर्घटना का कारण वह मैफिस्टो को मानता है जिसका पूरा आरोप वह मैफिस्टो पर डाल देता है मैफिस्टो जोनी का नया गोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक होट को हराने पर उसकी आत्मा वापस करने का पेशकश करता है जोनी गोस्ट राइडर के बदले में बदल जाता है उसका मार्क्स उसके कंकाल से जलता हुआ और पृथ्वी के देवदूत गैलिस को मार देता है फिर वह पेनेस स्टेयर का उपयोग करता है ऐसे ही शक्ति जो नर्सवर लोगों को रा सारा और दर्द महसूस कराती हैं जो उन्हें दूसरों को दिया है उनकी आत्मा को जला देती हैं एक सड़क ठग पर अगले दिन वह केयर टेकर नामक एक व्यक्ति से मिलता है जो गोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है वह जोनी को आश्वस्त करता है वह बताता है कि वास्तव में उसका फिर से पास होकर खाकर रात में वह एक बुरी आत्मा के पास जाता है जोनी रॉक्स को खोजने निकल जाता है जो समाचार पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही होती है घर पर जोनी अपने मारक क्षमता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सर छोड़ने से पहले रॉक्सेन मिलने आती हैं और जोनी खुद को शैतान का इनामी शिकार बताता है असर अस्वित में चली जाती हैं ब्लैकार द्वारा की गई हत्याओं के लिए संक्षिप्त कारवास के बाद जोनी वायु देवदूत के एबीगर रोग को अनुबंध बना लेता है और हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि मेफिस्टो प्रकट होता है और अनुबंध पूरा होने की घोषणा करता है गोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करता है किसी और को, को कोई और सौदा न करने देने का दृढ़ संकल्प के साथ जोनी मना कर देता है यह घोषणा करते हुए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दानव के खिलाफ और निर्देशों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा क्रोधित होकर मैं पिस्टो जोनी को सजा दिलाने की कसम खाता है और उसे हुई। जोनी अपनी नई जिंदगी की तैयारी करता है बात करें हम इस मूवी को, को लेकर तो गोस्ट राइडर मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज होने वाली थी लेकिन तारीख को तीन सप्ताह पहले 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था सोनी सोनी स्टूडियो ने के व्यस्त दो के कैलेंडर को राहत देने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख एक बार फिर से 16 फरवरी 2007 को बदल दी गई और हम बात करें इसके होम मीडिया की सोनी पिक्चर होम एंटरटेनमेंट ने 12 जून 2007 को सिंगल डिस्क थिएटिकल कट डिव्यू टू डिस्क एडिशन कट डिविट कल ब्लूरेडिक्स और यूडी के रूप में फिल्म को रिलीज करने की मांग रखी एक्सीडेंट कट डेविड ने विशेष सुविधाओं में दो कमेंट्री कर एक कॉमिक बुक इतिहास पिक्चर और फिल्म का निर्माण शामिल है बात करें हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह 16 फरवरी 2007 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रूप में हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई शुरुआती दिनों में इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की जबकि अपनी शुरुआती सप्ताह में इसने 45 लाख डॉलर की कमाई की फिल्म ने चार दिवसीय राष्ट्रपति दिवस सप्ताह में बावन करोड़ की कमाई की जिसमें तीन हजार छह सौ उन्नीस सिनेमाघरों में प्रति थिएटर औसत में रिलीज हुई इस मूवी ने उस समय का सर्वोच्च राष्ट्रपति दिवस उत्पादन सप्ताह बना दिया जिसने डे डेविल द्वारा रखे गए तीन दिवसीय रिकॉर्ड और पचास फर्स्ट डेट्स द्वारा एक साथ रखे गए चार दिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया फिल्म ने 2010 तक यह रिकॉर्ड बनाए रखा जब वाइड डे ने उन्हें ले लिया इस फिल्म को निकोलस केज के लिए रेजी पुरस्कार और सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रासबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था 17 फरवरी 2012 को स्टीफ ऑफ वेजेस नामक सीक्वल रिलीज किया गया केज ने जॉनी ब्लेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जॉनी ब्लेज को उनके गोस्ट राइडर के रूप में भी चरित्र किया गया अब करते हैं हम बात इसके तीसरे पार्ट के बारे में जो कि संभावित तीसरी फिल्म के बारे में पूछे जाने पर केज ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लेकिन उनके भागीदारी के बिना 2013 में अधिकतर मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए जिससे तीसरी फिल्म की योजना प्रभावित रूप से रहा हो गए रद्द हो गई गोस्ट राइडर को रॉबी रेस संस्करण के बाद में टी सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाया गया जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सेट हैं द लेट शो के पूर्व होस्ट क्रेक यूरस ने उल्लेख किया गया कि उनके रोबोट कंकाल स्टैंडर्ड और तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू बाय बाय